सो इस वीडियो में प्रॉब्लम लेते हैं इंटीग्रेशन से रिलेटेड, तो देखते हैं प्रॉब्लम में अपन को क्या दे रखा है और फिर उसको अपन एनालाइज करेंगे। तुम वीडियो को पॉज करना और सॉल्व करने का कोशिश करना। तो प्रॉब्लम में अपन को दे रखा है कि अपन को इस इंटीग्रेशन को इवेल्युएट करना है, तो स्टार्ट करते हैं फिर। सो सबसे पहले मैं यहाँ पर इस इंटीग्रल को इस तरीके से लिख सकता हूँ, 0 to infinity ln ऑफ 1 plus x raised to power 2020 डिवाइड में 1 plus x raised to power 2021। लॉगरिथम की प्रॉपर्टी लगा रहे हैं बेसिक अपन, एंड नीचे यहाँ पर अपन को 1 plus x square एंड ln x dx इस तरीके से दे रखा है। अब यहाँ पर अपन क्या करते हैं, एक सब्सटीट्यूशन करते हैं। सबसे पहले तो इसको i के इक्वल मान लेते हैं और अभी एक सब्सटीट्यूशन करते हैं। तो देखते हैं यहाँ पर x इज इक्वल टू, अगर मैं 1 by u मान लूँ तो यहाँ पर इस सब्सटीट्यूशन को लेने का क्या फायदा होगा, अपन एनालाइज करता है। तो लिमिट यहाँ पर अपनी हो जाएगी इन्फिनिटी टू जीरो, यहाँ पर ये ln ऑफ 1 plus, यहाँ पर ये x की जगह मैं 1 by u पुट करूँ तो ये इस तरीके से हो जाएगा। और इस पूरे के डिवाइड में अपन को यहाँ पे क्या दे रखा होगा, 1 plus 1 by u square एंड ln ऑफ 1 by u, एंड dx की जगह बेसिकली यहाँ पर डिफरेंशिएशन हो जाएगा। इधर से देखें तो बेसिकली dx यहाँ पर अपने क्या हो जाएगा, -का 1 by u square du। सो यहाँ पर अपना मल्टीप्लाई में -का 1 by u square du हो गया। तो यहाँ तक अपन ने कर लिया। तो अब अपन क्या करते हैं, इस चीज को सिंप्लीफाई करने की कोशिश करता है। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं इस पर फोकस करता हूँ, ये जो इतना पार्ट है, तो वो हो जाएगा अपने पास ln ऑफ 1 plus u की पावर 2020 डिवाइड में u की पावर 2020। यहाँ पर बेसिकली तुम देखोगे तो एंड यहाँ पर अपने पास इसके मल्टीप्लाई में आ जाएगा u की पावर 2021 एंड डिवाइड में 1 plus u की पावर 2021। बेसिकली अपन इस तरीके से लिख सकते हैं इस चीज को। और बाकी जो चीज दे रखी है अपन को नीचे डिवाइड में, वो हो जाएगी अपने पास 1 plus u square divided by u square एंड ln ऑफ u अपन को दे रखा है। एंड यहाँ पर माइनस का साइन आ जाएगा क्योंकि यहाँ पर ये जो ln ऑफ 1 by u था उसको मैंने ln u की टर्म में यहाँ पे लिख दिया, तो उसकी वजह से एक माइनस का साइन आ गया। और एक माइनस का साइन अपने पास यहाँ पर -का 1 by u square du में है, तो वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और इस पूरे के मल्टीप्लाई में है अपने पास 1 by u square du, और अपनी जो लिमिट है वो यहाँ पर है इन्फिनिटी टू जीरो। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करते हैं यहाँ पर। अब अपन तो बेसिकली अपने पास यहाँ पर क्या बचेगा, इधर से देखें तो एक u बच रहा है यहाँ पे कैंसिल करने के बाद। और अब मैं इसको दो पार्ट में कर सकता हूँ। देखो, एक तो मैं यहाँ पर ये वाला पार्ट रखता हूँ एंड एक यू वाला पार्ट रखता हूँ। अब ये क्या है, यहाँ ये दोनों मल्टीप्लीकेशन में, तो लॉगरिथम की प्रॉपर्टी से इस चीज को मैं यहाँ पे ln ऑफ u प्लस ln ऑफ 1 plus u की पावर 2020 डिवाइड में 1 plus u की पावर 2021 लिख सकता हूँ। तो इस तरीके से मैंने लिखा इस चीज को। और अब यहाँ पर अगर अपन देखें तो अब अपने पास क्या बन गया, तो अपने पास है यहाँ पर लिमिट है इन्फिनिटी टू जीरो ln ऑफ u प्लस ln ऑफ 1 plus u की पावर 2020 डिवाइड में 1 plus u की पावर 2021 एंड अपने पास यहाँ पे ln ऑफ इतना बन जाएगा u एंड उसके मल्टीप्लाई में 1 plus u square रह जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये जो u square है वो इस u square से यहाँ पे बेसिकली कैंसिल हो जाएगा। तो सिंपली ये अपने पास रहेगा और अपने पास यहाँ पर du है। और अब अपन क्या कर सकते हैं, ये इंटीग्रल सेम अपना i था जो शुरू में अपन ने लिया था, अब अपन इसको दो पार्ट में स्प्लिट कर सकते हैं। एक तो ये वाला इंटीग्रल प्लस एक ये वाला इंटीग्रल।
ये एल एन ऑफ यू एंड ये वाला पार्ट अलग है यहाँ पर। और बेसिकली तुम देखोगे तो यहाँ पर अपन प्रॉपर्टी लगा सकता है डेफिनेट इंटीग्रल की, और इस लिमिट को चेंज कर सकता है। ये यहाँ पर जीरो नीचे आ जाएगा और इंफिनिटी ऊपर चला जाएगा, प्लस की जगह माइनस का साइन आ जाएगा। और अगर तुम शुरू में जो इंटीग्रल दे रखा था उसको यहाँ पर देखो, तो वो यहाँ पर अपन को ये दे रखा था जिसको अपन ने इस फॉर्म में लिखा था। तो यहाँ पर अपन ने क्या किया, सिर्फ सेम ही इंटीग्रल है, सिर्फ एक्स को यू से रिप्लेस किया है। तो यू एक डमी वेरिएबल है, तो बेसिकली ये जो इंटीग्रल है ये भी आई के इक्वली है। तो अगर तुम देखोगे तो इसको अगर तुम इधर ले जाओ तो 2i इज इक्वल टू अपने पास इनफिनिटी टू जीरो, यहाँ पर ये एल एन यू से एल एन यू कैंसिल हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस u² du इस तरीके से आएगा। और इसका तुम्हें पता ही होगा कि यहाँ पर टेन इनवर्स यू होता है, और लिमिट तुम्हारे पास इन्फिनिटी टू जीरो है। तो बेसिकली अब यहाँ पर अपन लिमिट पुट करके देखें तो टेन इनवर्स जीरो की वैल्यू जीरो होती है, एंड टेन इनवर्स इन्फिनिटी की वैल्यू पाई बाय टू होती है। तो यहाँ पर ये माइनस का पाई बाय टू आ जाएगा। तो बेसिकली अपने पास क्या आया इससे देखें तो 2i इज इक्वल टू माइनस का पाई बाय टू। तो अपना जो इंटीग्रल है उसकी वैल्यू माइनस का पाई बाय फोर आ जाएगी। तो इस तरीके से अपन इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो तुम्हें अच्छा लगा होगा यार, अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। और ऐसे ही तुम्हें और वीडियो चाहिए जिस भी टॉपिक पर, तो तुम कमेंट में बता सकते हो, तो उससे रिलेटेड प्रॉब्लम लाने की मैं कोशिश करूंगा। तो फिर मिलते हैं ऐसी एक प्रॉब्लम के साथ नेक्स्ट वीडियो में।